यहाँ साहब, एक दो तीन, एक चार। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों ने पाकिस्तान से आए इन दहशतगर्दों की घुसपैठ करने की कोशिश को नाकाम कर दिया। जी हां, सेना की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अखनूर सेक्टर में 4 दहशतगर्द घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान इन दहशतगर्दों पर भारतीय सेना के जवानों की नजर पड़ गई, जिसके बाद ड्यूटी पर तैनात जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और जवाबी कार्रवाई करते हुए एक दहशतगर्द को मार भी गिराया। इसके बाद बचे हुए 3 दहशतगर्द अपने साथी का शव लेकर मौके से भाग निकले, यानी कि बॉर्डर पार पाकिस्तान चले गए। बकायदा सेना की ओर से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें दहशतगर्द अपने साथी का शव ले जाते हुए साफ साफ नजर भी आ रहे हैं। यहाँ साहब, एक दो तीन, एक चार। भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, खौर, अखनूर के आईबी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई। 22 और 23 दिसंबर की रात को हमने अपने निगरानी उपकरणों के माध्यम से 4 दहशतगर्दों की संदिग्ध गतिविधियां देखी थी, जिसके बाद प्रभावी ढंग से गोलीबारी की गई। दहशतगर्दों को एक शव को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार घसीट कर ले जाते हुए भी देखा गया है। वहीं आपको बता दें, पुंछ और राजौरी के बीच डेरा की गली में 21 दिसंबर को सेना के काफिले पर हमला हुआ था। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे, 2 जवानों की हालत काफी गंभीर है। PAFF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। दहशतगर्दों ने अमेरिका की M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल से सेना पर हमला किया था। हमले के दिन थाना मंडी सुरनकोट रोड पर डेरा की गली इलाके में आतंकी खाद लगाए बैठे हुए थे। दोपहर करीब 3 बजे सेना की एक मारुति जिप्सी और एक ट्रक जैसे ही वहां से गुजर रहे थे, इसी दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी थी, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए। शहीद सैनिकों की पहचान नायक बीरेंद्र सिंह, नायक करण कुमार, राइफलमैन चंदन कुमार, राइफलमैन गौतम कुमार के रूप में हुई है। वहीं इस पूरे इलाके को सेना ने अब अपने कब्जे में ले लिया है और दहशतगर्दों की तलाश जारी है। आपको बता दें, BSF के एक अधिकारी ने बताया है कि 16 दिसंबर को इंटेलिजेंस के हवाले से जानकारी दी गई थी कि पाकिस्तान सीमा में 250 से 300 दहशतगर्द लॉन्च पैड पर हैं। ये जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में हैं। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है, सीमा पार से किसी भी तरह की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि दहशतगर्दों को देखते ही BSF और सेना संवेदनशील इलाकों पर नजर रखे हुए है और सतर्क है, और इसी का नतीजा है कि भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है दहशतगर्दों का। जो कुछ अखनूर में दिखा है वो भी इसी का नतीजा है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।